Students, welcome again in the lecture series of chemical bonding. And in this lecture series, we are discussing about the stereochemistry in bonding in main group compounds. Okay, and under this sub-series, we will discuss about the energetics of hybridization. ओके तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग की इस सीरीज में जहां पर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है वेस्पर थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ड्रैगो रूल हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जेटिक्स क्या है सो क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है कि हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में होगा या नहीं होगा ये उसकी एनर्जेटिक्स बताती है तो इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे व्हाट इज एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था देखिए वहां पर हमने क्या पढ़ा था तो जो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल डिटरमाइन करते हैं किस तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सेंट्रल एटम के तो वो बॉन्ड की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है Ab2 टाइप मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होगा लीनियर ज्योमेट्री का होगा तो वहां पर sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज होंगे बॉन्डिंग के लिए इसी तरीके से अगर हम Ab3 टाइप मॉलिक्यूल देखें तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा जबकि Ab2e जो है जहां पर ई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है बेंट शेप का होता है जबकि Ab3 और Ab2e दोनों में अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो भी आप देखेंगे कि एक की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है और एक की ज्योमेट्री क्या है लीनियर है क्योंकि बेंट है तो ये किस पर डिपेंड करता है ये डिपेंड कर रहा है किस तरीके के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं और उनका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है उसी पर बेस्ड होगी ज्योमेट्री ओके लाइक इन केस ऑफ Ab4 मॉलिक्यूल Ab3e Ab2e2 जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था CH4 NH3 H2O यहां पर आप देख सकते हैं Ab2e का एग्जांपल SnCl2 है ओके तो यहां पर तीनों ही सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं लेकिन शेप सबके अलग अलग हैं Ab4 का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है Ab3e का शेप पिरामिडल है और Ab2e2 का शेप क्या है बेल्ट या वी शेप तो ये डिपेंड कर रहा है बच्चों कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है वो किस तरीके से ओरिएंटेड है इसी तरीके से आप देखेंगे Ab5 है Ab4e है Ab3e2 है सभी में जो सेंट्रल एटम है वहां पर क्या होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है ज्योमेट्री दो तरीके की हो सकती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल ओके तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में और अगर वो Ab4e है तो वो सीसो शेप होगा और अगर Ab3e2 है तो वो कैसा होगा इट इज दिस काइंड ऑफ टी शेप फिर Ab4e3 भी हो सकता है और वो जो शेप जो होगा वो कैसा होगा Ab2e3 वो कैसा होगा लीनियर शेप होगा ओके इसी तरीके से डिफरेंट एग्जांपल है देखिए ऑक्टाहेड्रल हो सकती है ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है स्क्वायर प्लेनर हो सकती है अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेंट्रल एटम में क्या है sp3d2 है ये सीखेंगे वैलेंस स्टेट क्या होती है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की तो यहां पर जो मैंने आपको एनर्जी डायग्राम दिखाया है ये दिखाया है कार्बन के लिए तो देखिए कार्बन के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 2s2 2p2 ओके अब ये कार्बन जो है जनरली इसकी जो वैलेंस स्टेट होती है एक्सेप्ट कार्बिन को छोड़ दीजिए कार्बिन को छोड़कर बाकी जगह इसकी वैलेंस स्टेट क्या होती है 4 तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होना होगा तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सके तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं प्रमोशन एनर्जी और आपने देखा इस तरीके से यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये जो एनर्जी यूज हुई है क्या है प्रमोशन एनर्जी जो कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर करने के काम आती है तो अब ये क्या है इसकी वैलेंस स्टेट है ओके सो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस स्टेट ऑफ कार्बन अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो
हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बच्चों कि ये जो एस ऑर्बिटल है और ये जो पी ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे, मिक्स होंगे। और मिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी लगभग कहाँ होगी, बीच में होगी। अगर ये क्या है प्योर, अगर ये सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूएंट हो एक से हैं, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो एनर्जी है एस और पी ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और इनकी एनर्जी क्या होगी, लगभग बराबर होगी। इस समय क्या हो रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाफ फिल्ड 2s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी तो बढ़ेगी, और जो तीन पी ऑर्बिटल हैं ये भी हाफ फिल्ड हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस 2s ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी। तो क्या होगा, ये भी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड की एनर्जी बढ़ रही है और हाफ फील्ड की एनर्जी कम हो रही है। तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो नो चेंज इन एनर्जी, तो ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो देयर इज नो यूज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए कोई भी हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ कार्बन। केस देखेंगे फास्फोरस का, ओके। फास्फोरस की वैलेंस स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन को चेक कर, देखिए ये जो फास्फोरस है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2p3। अगर आप देखेंगे फास्फोरस की वैलेंस स्टेट दो होती है, एक तो उसकी वैलेंस स्टेट 3 हो सकती है और उसकी वैलेंस स्टेट 5p हो सकती है। तो अगर हम केवल बात कर रहे हैं टेट्रा कोऑर्डिनेटेड मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, अगर हम बात करें कार्बन की भी हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखी, और फास्फोरस की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें जो sp3 होगा, तो उस केस में आप देखिए इसकी वैलेंस स्टेट क्या होगी कि इसमें तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो s ऑर्बिटल में होगा, ओके। तो अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इसकी क्या है, वैलेंस स्टेट है, तो अपनी वैलेंस स्टेट में ही है ये, कोई इलेक्ट्रॉन को प्रमोट होने की जरूरत नहीं है, सो नो प्रमोशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई भी प्रमोशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप क्या देखेंगे कि ये देखिए जो ऑर्बिटल है 3s ऑर्बिटल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़नी है, और इनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी घटनी है, हाफ फील्ड की एनर्जी कम होनी है और जो फुल फील्ड है उसकी एनर्जी बढ़नी है। तो आपको ये नहीं देखना है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन है, आपको ऐसे नहीं देखना है। यू हैव टू सी दैट दिस इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड दिस इज फुल फील्ड ऑर्बिटल, तो फुल फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़नी है और हाफ फील्ड की एनर्जी कम होनी है। तो आप बताइए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि एक जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और एक फुल फील्ड ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी अगर बढ़ेगी तो यहां पर हाफ फील्ड और हाफ फील्ड मान के चलिए तो डबल एनर्जी की जरूरत है इसकी, जब ये दोनों मिक्स होंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, देखिए बीच में आ रही है इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी और इसकी एनर्जी घटेगी, तो यहां पर लगभग डबल एनर्जी चाहिए क्योंकि हम दो हाफ फील्ड की एनर्जी ऊपर कर रहे हैं और यहां पर हाफ फील्ड की एनर्जी नीचे कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फुल फील्ड की एनर्जी बढ़नी है इसलिए हाफ फील्ड की एनर्जी कम होनी है। तो अगर टोटल ओवरऑल आप देखेंगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की एनर्जी जरूरत पड़ेगी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 3s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल से मिक्स हो और जो ऑर्बिटल है वो बने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी और ये जो एनर्जी है ये लगभग 600 किलो जूल पर मोल के आसपास इस हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी की जरूरत होती है इन केस ऑफ फॉस्फोरस। देखें टेट्राहेड्रली हाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस एटम के केस में जो कॉस्ट है हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी की वो होती है 600 किलो जूल पर मोल, तो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब इतनी एनर्जी की जरूरत है तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्यों करेगा, उसको तो जरूरत है एनर्जी की, आप समझ रहे हैं। तो किस तरीके से वो कोशिश क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि उसकी में हाइब्रिडाइजेशन कम हो या हो ही ना पाए, इसलिए अधिकतर जो हैवी मेटल्स के केस में अगर हम देखेंगे जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन के केस में ऐसा दिक्कत
जो नहीं आएगा, लेकिन केस हैवियर एलिमेंट्स के केस में क्या होगा, बॉन्ड्स आर वीकर ड्यू टू लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग. ओके, सो एनर्जी डिफरेंस इन द वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम इज लार्ज. बड़ा होता है जो डिफरेंस होता है जो सराउंडिंग एटम्स और जो सेंट्रल एटम होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, लार्ज होता है. इसलिए हैवी मेटल्स क्या करते हैं, जनरली दे यूटिलाइज प्योर पी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके कहां रहते हैं, जनरली एस ऑर्बिटल में. ओके, लेट्स एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फिर से कि बड़े एलिमेंट जो है उनके केस में ये कोशिश होती है कि जो जो पी ऑर्बिटल है वो तो बॉन्ड बनाए और जो s ऑर्बिटल है वहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाए. क्योंकि देखिए जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनकी उनके जो ऑर्बिटल है उनका साइज बड़ा होता है, उनका साइज अगर बड़ा होगा तो फिर वो बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं करते हैं. उसके लिए क्या होगा कि अगर प्योर p ऑर्बिटल वो रखें अपनी बॉन्डिंग के लिए तो वो ज्यादा सही रहता है बॉन्डिंग के लिए. आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल सेंट्रल एलिमेंट एंड अ लार्ज सेंट्रल एलिमेंट. ओके, तो हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि अगर एक एलिमेंट जो सेंट्रल एटम है वो छोटा है और एक सेंट्रल एलिमेंट क्या है, बड़ा है. ओके, तो हम इससे कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जो बड़ा एलिमेंट है वहां पर बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि इसके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं. इसलिए वो क्या करता है, कोशिश करता है कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत होती ही नहीं है, वो प्योर पी ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्डिंग करता है. अब देखिए आप कि ये अगर मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने लिखूं कि sp हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा क्योंकि यहां पर जो परसेंट s करेक्टर है वो कितना है, 50%. ओके, sp2 का अगर हम देखें तो यहां पर बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री एंड द परसेंट s करेक्टर इज 33%, वाइल इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन द एंगल इज 109 डिग्री एंड द परसेंट s करेक्टर इज 25%. ओके, तो ये जो है इसकी वजह से अब हम देखेंगे. अब देखिए ये आपने ध्यान में रखना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे जो s करेक्टर है वो इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. अब आप देखिए यहां पर बच्चों ये छोटा साइज है. ओके, ये नाइट्रोजन मान के चलते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस में हम डिफरेंस देखते हैं तो नाइट्रोजन के केस में बहुत छोटा एलिमेंट है और हाइब्रिडाइजेशन का मेन काम क्या है, उसका काम है रिड्यूस क्राउडिंग. ये क्या करता है, क्राउडिंग को रिड्यूस करने का काम करता है. ओके, अब आप देखिए जितना छोटा साइज है उतनी अधिक क्राउडिंग होगी. अब मैं अगर एग्जाम्पल लू NH3 का, तो NH3 मॉलिक्यूल में N बहुत छोटा साइज है अगर मैं PH3 को देखूं तो उससे. ओके, तो अगर मैं PCl3 भी एग्जांपल, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ PCl3 आल्सो और NCl3 भी हम एग्जांपल ले सकते हैं. तो अब आप देखिए कि यहां पर नाइट्रोजन बहुत छोटा एलिमेंट है और फास्फोरस बड़ा एलिमेंट है, तो यहां पर नाइट्रोजन में क्राउडिंग की दिक्कत है. ओके, तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से अरेंज होना चाहेंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रहे, 107 का. ओके, 107 का ये एंगल बनाना चाहेंगे जबकि n के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3. n के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप देखेंगे तब भी इसके केस में क्या हो रहा है, यहां पर 109 की जगह पर 107 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये एंगल इतना सफिशियंट है कि इसमें रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो. ओके, अब हम देखेंगे कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है बच्चों, क्यों जरूरत है, क्योंकि इसमें क्राउडिंग है और हाइब्रिडाइजेशन का काम क्या है, क्राउडिंग को कम करने का. हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, क्राउडिंग को कम करता है. तो अब क्या होगा, यहां पर जो s और p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन की वो मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे. किसी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s करेक्टर अधिक होगा, किसी में कम होगा और यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. आपने कैलकुलेट भी किया था कि लगभग 31% s करेक्टर इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है और बाकी ऑर्बिटल में
कितना हुआ, लगभग 23% हर एक ऑर्बिटल में एस करेक्टर होता है। मतलब एस करेक्टर, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 23% एस करेक्टर है, बाकी क्या करेक्टर है, 77% पी करेक्टर है। मतलब एस और पी की मिक्सिंग हो रही है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, यानी पी जो ऑर्बिटल थे उनमें थोड़ा एस करेक्टर भी आ गया और इस करेक्टर की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है ये 107 आ गया। ओके, अब आइए फास्फोरस के केस में। फास्फोरस के केस में क्या है, साइज बड़ा है, तो यहां पर नो प्रॉब्लम ऑफ क्राउडिंग, नो प्रॉब्लम ऑफ क्राउडिंग। यहां पर क्राउडिंग की दिक्कत तो है ही नहीं क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो यहां पर इसको एंगल अधिक होने की जरूरत नहीं है। यहां पर छोटे एंगल से काम चल जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, छोटा एंगल कहां होता है, जहां पी करेक्टर कम होता है। जहां पी करेक्टर कम होगा वहां पर क्या होगा, छोटा एंगल, जहां पर पी करेक्टर अधिक होगा वहां पर एंगल क्या होगा, छोटा होगा। ओके, पी करेक्टर का मतलब है छोटा एंगल, छोटा एंगल। ओके, तो पी करेक्टर अगर अधिक होगा तो एंगल क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर छोटा एंगल भी काम करेगा, छोटा एंगल काम करेगा मतलब यहां पर जो बॉन्डिंग होगी वो प्योर पी ऑर्बिटल की होगी। आपने देखा था यहाँ पर जो परसेंट, आपने पीएचसी का केस देखा था, वहां पर देखा था कि जो एस करेक्टर है वो 6% होता है। एस करेक्टर 6% का मतलब है कि यहाँ पर एस, देखिए आपने 6% देखा, कहीं नहीं देखा, मतलब कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। मतलब ये जो है, जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये प्योर पी ऑर्बिटल है और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में होगा, प्योर एस ऑर्बिटल में। यही बात हम कह रहे थे, यही बात हम बार बार कह रहे थे कि बड़े एलिमेंट में, देखिए यहां पर मैंने आपसे कहा कि जो हैवियर एटम होते हैं वो प्योर पी ऑर्बिटल को यूटिलाइज करते हैं फॉर बॉन्डिंग, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वे प्योर एस ऑर्बिटल में चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि बड़ा एलिमेंट का साइज बड़ा है, सो नो प्रॉब्लम ऑफ क्राउडिंग, क्राउडिंग की दिक्कत है ही नहीं, तो बॉन्ड एंगल कम हो सकता है। और बॉन्ड एंगल कम कब होगा, जब उसमें एस करेक्टर कम होगा। पी ऑर्बिटल अधिक होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, क्या होगा बच्चों, अधिक कम होगा। यहां पर एस करेक्टर कम हो गया तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल की अधिक जरूरत नहीं है क्योंकि क्राउडिंग की दिक्कत नहीं है, इसलिए यहां पर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और यहां पर लगभग एंगल 90 डिग्री के आसपास होगा। और यहां पर प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, जबकि प्योर एस ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि आपने इसकी एनर्जेटिक्स से देखा, आपने ये देखा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये दोनों को मिक्स होने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इनका साइज बड़ा है एलिमेंट का, तो यहां पर मिक्सिंग की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी हाई है, तो हाई हाइब्रिडाइजेशन की कॉस्ट देकर वो हाइब्रिडाइज हो, इससे अच्छा है कि वो इसके थ्रू तो बॉन्ड बना ले और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एस ऑर्बिटल में रहने दे। इसलिए फास्फोरस के केस में हाइब्रिडाइजेशन, और अगर हम नीचे जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली नहीं होता है और वो क्या करता है, प्योर पी, और एक खास तौर से जो जो मॉलिक्यूल्स जहां पर जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होती है, जो कि हमने ड्रैगो रूल में पढ़ा था, तो वहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। बच्चों ये जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज द स्टेरिक फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनके स्मॉल साइज की वजह से स्टेरिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राउडिंग होती है, उस क्राउडिंग को कम करने के लिए मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और अगर हम लार्जर एलिमेंट्स की बात करें जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम, इनके केस में जो स्टेरिक इफेक्ट है वो रिलैक्स्ड होता है, यहां पर क्राउडिंग की प्रॉब्लम कम होती है। ओके, देयरफॉर द ऑर्बिटल्स दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग दे आर मोर पी, दे आर हैविंग द मोर पी करेक्टर, उनमें क्या होता है, पी करेक्टर होता है, और जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन की कॉस्ट को वो कम कर दे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी क्या हो जाए, उसकी जरूरत ही ना पड़े, तो उसे कम
काम करने के लिए वो क्या करते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल के थ्रू जनरली बॉन्डिंग करते हैं, या वहां पर पी करेक्टर क्या होगा, अधिक होगा। देयरफॉर द मॉलिक्यूल चूजेस आइदर हाई प्रमोशन एनर्जी एंड बेटर ओवरलैप विद एस रिच ऑर्बिटल। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हायर प्रमोशन एनर्जी किनके केस में थी, जो छोटे एलिमेंट थे वहां पर प्रमोशन एनर्जी की जरूरत थी, हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी की जरूरत नहीं थी। तो वो क्या करता है, मॉलिक्यूल चूज करता है या तो हायर प्रमोशन एनर्जी को चूज करता है और बेटर ओवरलैप विद एस रिच ऑर्बिटल। हुआ क्या यहां पर, क्योंकि इस छोटे केस में जो छोटा एलिमेंट है उसके केस में क्या है, यहां पर एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है और मिक्सिंग होने से क्या आ गया, जो पी ऑर्बिटल है उसमें एस करेक्टर आ गया। तो देखिए एस रिच हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करे और हायर प्रमोशन एनर्जी हो ओके, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो या ना हो, जरूरत ही ना पड़े हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी की, इसलिए वहां पर हाइब्रिडाइजेशन आसान है। या फिर उसको चूज करना पड़ेगा लोअर प्रमोशन एनर्जी एंड वीकर ओवरलैप विद एस पुअर हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए ये मैंने आपसे कहा कि जो बॉन्डिंग होगी, जो बड़े एटम में जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग के लिए जो ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहे हैं, क्योंकि बड़े एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी की जरूरत है लेकिन प्रमोशन एनर्जी लोअर है। तो चूज क्या करेगा, ये तो लोअर प्रमोशन एनर्जी को चूज करेगा और एस रिच ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, किसके साथ बनेगा, पी रिच ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग होगी, जबकि जहां पर प्रमोशन एनर्जी हाई होगी वहां पर एस रिच ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग होगी। बच्चों दो बातें हैं, एक तो बॉन्डिंग होनी है, ये बॉन्डिंग हो रही है, देखिए ये बॉन्डिंग हो रही है और यहां पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो ये बॉन्डिंग या तो पी ऑर्बिटल के थ्रू हो, पी ऑर्बिटल के थ्रू कब होगी, जब ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रमोशन एनर्जी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी बट हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी की जरूरत है, तो मिक्सिंग थोड़ा कठिन होगी, इसलिए बॉन्डिंग प्योर पी ऑर्बिटल के थ्रू होगी, यानी एस पुअर ऑर्बिटल के थ्रू होगी, जिसमें एस करेक्टर 6% था, बहुत कम होगा, उसके थ्रू बॉन्डिंग होगी, जबकि छोटा मॉलिक्यूल अगर है तो हायर प्रमोशन एनर्जी एंड वॉटर ओवरलैप विद दी एस रिच ऑर्बिटल। एस रिच ऑर्बिटल कब होगा बच्चों, जब मिक्सिंग होगी, क्योंकि एस रिच का मतलब है, हमने पढ़ा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहां पर एस करेक्टर 25% है, मतलब 25% के आसपास अगर ऑर्बिटल में क्या है एस करेक्टर है तो वहां पर मिक्सिंग हो रही है ओके, तो मिक्सिंग होगी मतलब उसमें एस करेक्टर आ जाएगा, तो उसको हमने क्या कहा, एस रिच हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा। और जो मैंने आपको सब कैलकुलेट करके दिखाया आइसोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में, केवल हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होगी वो एसपी हाइब्रिडाइज्ड, मतलब एस और पी मिक्सिंग के बाद बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होंगे उनमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें एस करेक्टर क्या होगा, होगा, लेकिन जो बड़े एलिमेंट है उनके केस में जो बॉन्डिंग होगी वो थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल्स होगी, प्योर पी ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, क्राउडिंग की दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें बेंट रूल को पढ़ने में आसानी होगी। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ बेंट रूल, एक्चुअली ये पहला पार्ट है एनर्जेटिक्स, जो सिखाता है कि कहां पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड में हेल्पफुल होंगे, ठीक है, और कहां पर प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ओके। सो थैंक यू वेरी मच।